सो गाइस, आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक एनिमल। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक जो शेप है वो बना लेते हैं। मैंने ये रेक्टेंगल शेप बनाया एंड अब मैंने यह एक और रेक्टेंगल शेप बनाया। ओके, ये यहाँ पे एंड देन अपन ने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। ओके, एंड इस सर्कल, ये जो सर्कल है ये एक्चुअली जो एनिमल है उसका हेड है। ओके, तो अब एक्चुअली ये काऊ है, काऊ। तो अब देखो, ये इसका जो बॉडी का पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे एक कर्व आएगा। ओके, ये हो गया इसका कर्व एंड ये जो हेड है वो जस्ट बैक साइड देख रहा है, तो ये होगी आई लाइन और ये होगी सेंटर लाइन। ओके, एंड जो नीचे जो सर्किल के जो नीचे का पोर्शन है उसमें अपन ये एक रेक्टेंगल बना देंगे। ओके, और रेक्टेंगल के दोनों तरफ ऐसे एलिप्स सर्किल बना देंगे एंड शेडिंग कर देंगे इसके अंदर। ओके, एंड देन ये जो आई लाइन है इस पर अपन ये आई बना देंगे। ओके, जो पुपिल है वो इस तरफ है। ओके, एंड ये आईब्रो हो गई। ओके, एंड देन अपन ये स्माइली फेस बना देंगे। ओके, और ये हो गया ब्रिज ऑफ द नोज एंड जो हेड का शेप है वो इसी तरह राउंड ही रखना है अपन को। ओके, एंड अब इस पर कुछ फर बना देते हैं एंड ये हो गए इसके जो हॉर्न है वो। ओके, हॉर्न थोड़े से चेंज कर लेते हैं अपन, ये थोड़े अलग लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। तो हॉर्न लगभग अपन नॉर्मल हॉर्न बना देते हैं ऐसे वाले। ओके, ये हॉर्न पे अपन टेक्सचर बना देते हैं एंड देन अपन ये ट्रायंगल शेप बनाते हैं ऐसा एंड देन इसकी शेडो एंड बोथ साइड दूसरी तरफ भी ऐसे ही कुछ। ओके, तो ये हेड का शेप रेडी हो गया है। अब अपन जो बॉडी का पोर्शन है उसमें अपन कुछ ये कर्व यहाँ पे है। ठीक है, ये अपर पोर्शन हो गया एंड यहाँ पे अपन ऐसा कुछ बनाएंगे। एक्चुअली ये झुकाऊ है, इसके आगे की जो स्किन है जो लटक रही होती है वो है जस्ट वेव शेप में। एंड देन अपन को ये जो ये काऊ का जो है बच्चा वो है, तो ये इसका हेड हो गया। ओके, एंड ये जस्ट दूध पीने में लगा हुआ है। ओके, अपन इसको शो कर देते हैं, ये इसका हेड हो गया एंड ये इसकी आई हो गई। ओके, एंड ये इसका ईयर हो गया और जो पीछे का ईयर है वो ऐसे बता देंगे अपन। ओके, एंड अब इसकी बॉडी है, तो यहाँ पे ये कर्व आएगा, ये ऐसे कर्व एंड जो लोअर पोर्शन है उसमें पहले अपन लेग्स बना लेते हैं। ये फ्रंट लेग्स एंड ये बैक लेग्स। ओके, सो ये हो गया जो बैक लेग है उसकी एनाटॉमिकली ये ऐसे बनेगा। ये इसका जो पंजा है या फिर कह सकते हैं फुट है एंड यहाँ पे फिर से कर्व एंड ये थोड़ा सा मसल का पार्ट है वो बनाना एंड देन अगेन स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे अगेन इसका जो पैर है ये जस्ट स्ट्रेट लाइंस बनानी है और ये एनाटॉमिकली थोड़ा से बैक साइड जाके अगेन आगे की ओर जाता है। ओके, तो ये हो गया जस्ट ग्राउंड। ओके, इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं एंड ये होगी इसकी टैर। ओके, तो ये होगी इसकी टैर एंड जो ये काउ के अपन बना लेते हैं जहाँ से दूर आता है। ओके, एंड देन अपन काउ की जो बैक लेग्स हैं वो बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे और ये जो दूसरा वाला है उस तरफ वाला वो अपन ऐसे बना देते हैं।
ओके एंड सो इस जो लाइन अपन ने रेफरेंस लाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग अपन इसका फुट बना देंगे। ओके ये हो गया फ्रंट वाला और ये हो गया जस्ट उसके बैक साइड वाला। ओके तो ये जो पीछे का पोर्शन रेडी हो गया है, अब अपन आगे का पोर्शन बना लेते हैं। आगे का पोर्शन है उसमें जो ये वाले लेग्स हैं उसके फ्रंट में ये बच्चा आ गया है, तो ये पीछे वाले लेग्स अपन जस्ट थोड़े से शो कर देंगे। ऐसा कुछ है, अपन को ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शो कर देंगे ऐसा कि यहाँ पे कुछ लेग्स हैं। ओके और इनको ब्लैक कर देंगे एंड जो ग्राउंड है वो अपन शेडो कर देंगे। ओके सम थोड़ी सी ग्रासेस भी बना देंगे। ओके तो ये लगभग रेडी होने वाला है एंड देन ये बस कर्व ऐसे ऊपर जाएगा एंड अगेन ये नीचे की ओर आएगा कर्व एंड ये यहाँ से अगेन ये कॉर्नर एंड देन इसको इससे मिला देंगे। ओके तो ये है लगभग काउ रेडी हो गई एंड अब इसकी जो टेल है वो बना देंगे। ओके तो ये है एक सिंपल काउ, अपन इसकी शेडिंग कर देते हैं थोड़ी बहुत और ये जो बछड़ा है उसमें टोटली शेडिंग कर देते हैं। ओके एंड ये जो लैग है उसकी शेडिंग कर देते हैं। ओके तो ये एक ब्यूटीफुल सा सीनरी काऊ और उसके बच्चे की। सो होप यू एंजॉय दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय। एंड ये अपन बना देते हैं काऊ का जो जिसमें काऊ खाती है। ओके बाय बाय, थैंक यू।